नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो जो आज का टॉपिक है उस वाले टॉपिक में हम लोग एक थ्योरम देखने वाले हैं और वो थ्योरम बेस्ड होगी डिवीजन रिंग के ऊपर और इंटीग्रल डोमेन के ऊपर। हम लोग दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। पहले मैं उसका स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर समझाना आपको स्टार्ट करूंगा और फिर उसका प्रूफ दे दूंगा। उसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, काफी अच्छी थ्योरम है, काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। उसका थ्योरम पढ़ रहे हैं हम लोग आज, थ्योरम थ्योरम थ्योरम। और उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, एवरी डिवीजन रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी डिवीजन रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। देखिए, अब से एक थ्योरम हमने और पढ़ी हुई थी और वो थ्योरम कुछ इस तरीके से थी कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हर एक जो फील्ड होता है वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है। उसी का एक जस्ट अबाउट, मतलब उसी में जस्ट कह सकता हूँ बिल्कुल सेम टू सेम उसका डुप्लीकेट वर्जन है। डुप्लीकेट वर्जन में हमने सिर्फ इतना सा ले लिया कि हमारे पास फील्ड ना हो कि कोई एक डिवीजन रिंग है, और हम लोग ये दिखाएंगे कि वो जो हमारे सामने डिवीजन रिंग गिवन है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। अब ध्यान से देखिए, आप डिवीजन रिंग का मतलब जानते हैं। आप जानते हैं कि आपके पास अगर कोई भी रिंग विद यूनिटी है और उसमें हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का अगर MI मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसको डिवीजन रिंग कहा जाता है। ये आपको समझ आया। इंटीग्रल डोमेन का मीनिंग आप काफी अच्छे से जानते हैं कि आपके पास एक रिंग विद यूनिटी है और वो विदाउट जीरो डिवीजर है। विदाउट जीरो डिवीजर का मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट है तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी एक नॉन जीरो एलिमेंट आना चाहिए, और उन दोनों की प्रोडक्ट अगर जीरो आ रही है तो उसमें से एटलीस्ट वन तो आपके पास जीरो होना चाहिए। ये इंटीग्रल डोमेन और अलग अलग डिवीजन रिंग के मीनिंग थे। तो हम लोगों को यहां पर यही दिखाना है कि मेरे पास जो भी डिवीजन रिंग होता है वो एक इंटीग्रल डोमेन भी होता है। तो सबसे पहले देखिए, इंटीग्रल डोमेन को प्रूफ करने के लिए अब से कुछ दिन पहले हमने एक थ्योरम करी थी और उस थ्योरम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वो कुछ इस तरीके से थी कि अगर आपके सामने कोई भी चीज इंटीग्रल डोमेन है तो वो वहां पर कैंसिलेशन लॉ अलाउ करता है, और अगर वहां पर कैंसिलेशन लॉ अलाउ कर रहा है तो वो इंटीग्रल डोमेन है। मतलब इफ एंड ऑल इफ वाली कंडीशन थी कि इफ एंड इफ ए सेट या फिर इफ ए रिंग विद यूनिटी इज एन इंटीग्रल डोमेन, या फिर कोई भी इफ ए आर इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ऑनली इफ कैंसिलेशन लॉ अलाउ। ऐसा मतलब हमने रिजल्ट पढ़ा था। मतलब हम लोगों ने प्रूफ स्टार्ट हो रहा है, मतलब हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट वहां पर देखा था कि अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी हो रहा है तो हमें बी इज इक्वल टू सी मिलता है। ये वाली रिजल्ट हम लोगों को कंडीशन मिलती है अगर वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है तो, या फिर अगर हम लोगों को ये वाला रिजल्ट मिल जाता है इसका मतलब वो इंटीग्रल डोमेन हो जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये आपको समझ आया, शायद लेक्चर नंबर 5 था या 6 था, वो मेरे को याद नहीं है सॉरी, लेकिन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप लोग मेरे रेगुलर फॉलोवर है फिर तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आपको पता चल गया कि अगर ऐसी कैंसिलेशन लॉ अलाउ होता है इसका मतलब वो इंटीग्रल डोमेन होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इनडायरेक्टली प्रूफ करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन रिंग के ऊपर काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये चीज भी देखिए मैंने आपको कई बार बताया है प्रूफ करने का तरीका कैसे होता है कि आपके सामने मान लीजिए ये वाली कंडीशन उसने बोली है कि यहां से यहां तक जाना है, आपको AC is equal to BC से B is equal to C पर जाना है, जो कि आपको इसे प्रूफ करना है। ये आपको समझ आया। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, आप AC is equal to BC के ऊपर काम करेंगे और AC is equal to BC के ऊपर में आप यूज करेंगे इस वर्ड डिवीजन रिंग का। आप समझ रहे हो, AC is equal to BC वाली कंडीशन में आप डिवीजन रिंग का कहीं आगे चल के बीच में यूज करोगे। आपको जरूरत पड़ सकती है, आप पड़ेगी भी जनरली क्योंकि आपको गिवन है तो वो पड़ेगी भी, तो उस जो डिवीजन रिंग वाली कोई ना कोई कंडीशन आपके सामने जरूरत पड़ेगी, आप फिर उसका यूज करके फिर अपने आप यहां से पहुंच जाओगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए आपको गाजियाबाद से दिल्ली जाना है तो आपको ये गाजियाबाद है ये दिल्ली है, तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए आपको किसी ना किसी
व्हीकल, अगर मान लीजिए कोई ना कोई आप ट्रेन से जाते हैं, बाइक से जाएंगे, तो आपको उसका हेल्प लेना पड़ेगा। आपको गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का हेल्प लेना पड़ेगा या फिर किसी अपनी पर्सनल गाड़ी का हेल्प लेना पड़ेगा, ये आप समझ रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर करना पड़ेगा, हम लोगों को इंटीग्रल डोमेन दिखाना है। तो हम लोग इंटीग्रल डोमेन को कुछ, अगर हमने ये दिखा दिया कि कैंसिलेशन लॉ अलाउ हो रहा है, इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन होगा। ये थ्योरम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो उसका लेक्चर पार्ट, लेक्चर 6 था या 7, जो भी मेरे को याद नहीं रहता नाम लेक्चर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पर पक्का मिलेगा। तो ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी रिजल्ट में कैंसिलेशन लॉ अलाउ हो रहा है, इसका मतलब वो इंटीग्रल डोमेन है। तो हम लोग यहाँ पर यही प्रूफ करेंगे कि भैया कैंसिलेशन लॉ अलाउ हो रहा है, तो हम लोग ये बता देंगे कि वो इंटीग्रल डोमेन है। तो हम लोग यही काम करेंगे कि यहाँ पर ये दिखाएंगे कैंसिलेशन लॉ अलाउ हो रहा है और हेल्प लेंगे अपने डिवीजन रिंग की, क्योंकि उसने यही बोला है एवरी डिवीजन रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, हर एक डिवीजन रिंग जो होता है वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है, ये आप समझ रहे हैं। तो हम लोग यहां से यहां तक जाने में अपने डिवीजन रिंग की हेल्प लेंगे और फिर जब यहां पहुंच जाएंगे तो साफ साफ कह देंगे कि वो एक इंटीग्रल डोमेन बन गया, ये आपको समझ आया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात तभी पॉसिबल है जब आप वो वाली थ्योरम अच्छे से पढ़ चुके हो, वरना फिर आप रट्टा मार रहे हो मेरी तरफ से, ये समझ रहे हो आप। ये जब मतलब जबरदस्त, क्योंकि आपको वो थ्योरम आती नहीं है जो मैंने पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर नंबर 5 था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वो वाली थ्योरम आपको आती नहीं है, आप ये समझ रहे हो, तो फिर रट्टाफिकेशन है नहीं। पहले आप प्लीज आप पहले उस चीज को पढ़ लीजिए, अगर आपको पता है तो फिर तो आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कैंसिलेशन लॉ किस तरीके से अलाउ होकर रिजल्ट आपको इंटीग्रल डोमेन दे रहा है, फिर आप प्लीज इसे मत पढ़िए, क्योंकि फिर आप रट्टा मार रहे हो और रट्टा नहीं मारना, ये आपको समझ आया। तो इस पे आगे हम लोग काम बढ़ते हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हम लोगों को गिवन है, गिवन डेट, या फिर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड गिवन डेट, गिवन क्या है, डिवीजन रिंग हम लोगों को गिवन है, और जो चीज हम लोगों को गिवन होती है ना, हम लोग उसका यूज करते हैं। आपको जो भी सामान मिला है उस सामान का आप यूज करते हो ना, जैसे मान लो मेरे को ये चौक मिली है तो मैं इस चौक का यूज कर रहा हूँ लिखने में, मेरे को ये टी शर्ट मिली है तो मैं इस टी शर्ट का यूज कर रहा हूँ पहनने में, उसी तरीके से मेरे को यहाँ पर डिवीजन रिंग मिला है तो मैं इस डिवीजन रिंग का यूज करूंगा, कहाँ पर, अपनी थ्योरम्स को प्रूव करने, ये आपको समझ आया। तो यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू बी सी है और ये बात गिवन है कि वो एक डिवीजन रिंग है और आपको यहाँ पर बी इज इक्वल टू सी पर जाना है। अब देखिए, डिवीजन रिंग की कंडीशन क्या थी कि आपके पास एक रिंग विद यूनिटी है। डिवीजन रिंग में कंडीशन क्या थी, डिवीजन रिंग की कंडीशन क्या थी कि आपके पास रिंग विद यूनिटी में नॉन जीरो एलिमेंट का एमआई एग्जिस्ट करता है, यही कंडीशन थी। अब रिंग विद यूनिटी तो चलो मैं संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है भाई, उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो रिंग विद यूनिटी बन रहा है। उसके अलावा नॉन जीरो एलिमेंट का एमआई एग्जिस्ट करता है, ये आपको समझ आया, उसमें जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मैं एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर एक डोमेन होता है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इसका डोमेन होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके सामने एक रिंग विद यूनिटी है जिसमें हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए से ए कैंसिल, सॉरी मैंने क्या करा, एक सेकेंड मैंने इसको ए सी लिखना चाहिए मुझे, ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी, जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये नेसेसरी कंडीशन भी है कि जब मैंने ए को कैंसिल करा है बोथ साइड तो ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का चल रहा है, और अगर ए जीरो हो गया तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी जीरो अपॉन जीरो इज इक्वल टू, ये बी इसके नीचे चला जाएगा तो सी अपॉन बी बन जाएगा, ये वाला जीरो इसके नीचे आ जाएगा और ये वाला बी इसके नीचे चला जाएगा तो जीरो अपॉन जीरो बन जाएगा, और जीरो अपॉन जीरो आपको एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाएगी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वही केस चलेगा कि आपके सामने ए जीरो पे इक्वल नहीं है, ए नॉन जीरो एलिमेंट है, और जब ए नॉन जीरो एलिमेंट है तो अब यहाँ पर आप अपने डिविजन रिंग का हेल्प लोगे और ये कह सकते हो कि जब ए नॉन जीरो है इसका मतलब ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ए इज नॉन जीरो, बहुत आसान थ्योरम है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज ए इज नॉन जीरो, क्योंकि ए जो है वो आपका नॉन जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि चाहे वो ए की बात हो रही हो, चाहे वो ए इनवर्स की बात हो रही हो, ये सारे के सारे रिंग के एलिमेंट है,
इस बात को तो काफी अच्छे से जानते हैं ना आप, ये सारे के सारे रिंग के एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग रिंग के पे काम कर रहे हैं, जो हमारा रिंग सेट है R, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये आपको समझ है। तो यहाँ पर A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब रिंग में चाहे कोई भी एलिमेंट आपको गिवन हो, वो आपस में क्लोजर होते हैं, मल्टीप्लीकेशन क्लोजर होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये एलिमेंट गिवन है, AC हो चाहे BC हो, यहाँ पर एलिमेंट A इनवर्स आपको गिवन है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर होगा, आप उसका कंपोजिशन ले सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या रिजल्ट लगा सकते हो, आपके सामने जो AC इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC, जो आपको गिवन दिया हुआ है, आप अपने दोनों तरफ A इनवर्स का कंपोजिशन ले लीजिए, क्योंकि A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। किस लिए कर रहा है, क्योंकि A नॉट इक्वल टू जीरो है, और मैंने वहां पर जो मेरे को कंडीशन गिवन थी डिवीजन रिंग, मैंने उसकी हेल्प ली है, ये आपको समझ है, इसलिए A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और मैं रिंग के ऊपर काम कर रहा हूं, तो रिंग में एक प्रॉपर्टी होती है 6th नंबर की, मल्टीप्लीकेशन क्लोजर वाली, इसलिए मैंने दोनों तरफ A इनवर्स का कंपोजिशन ले लिया। अब यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्योंकि रिंग में 7th नंबर की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव वाली, वो प्रॉपर्टी भी होती है। तो मैं यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर लगा दूंगा, तो मुझे मिलेगा A इनवर्स इनटू में A बराबर B इज सॉरी इनटू B इज इक्वल टू A इनवर्स A इनटू में C। अब आप काफी अच्छी चीज बात को जानते हैं कि A इनवर्स और A जो है वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, ये आपको समझ है, A इनवर्स और A, उसी तरीके से ये वाला A इनवर्स और A आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, क्योंकि A और A एक दूसरे के, A और A इनवर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो ये आपको आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू बी बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू सी देगा। अब आप जानते हैं यहां पर कि ये रिंग विद यूनिटी है, क्योंकि डिवीजन रिंग है, तो डिवीजन रिंग में होता है रिंग विद यूनिटी और नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यूनिटी का मतलब क्या, कि आप किसी भी एलिमेंट में यूनिट एलिमेंट की मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपको वही एलिमेंट देगा। इसका मतलब यहां पर कंडीशन बी मिल गई और बराबर यहां पर कंडीशन आपको सी मिल गई, और आपको यही कंडीशन दिखानी थी। और जैसे ही आपने बी इज इक्वल टू सी दिखा दिया, जैसे ही आपने ये दिखा दिया कि हाँ भाई कैंसिलेशन लॉ अलाउ हो रहा है, कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब आपने साफ साफ क्या कह दिया कि वो एक इंटीग्रल डोमेन है। ये समझ रहे हैं, वो एक इंटीग्रल डोमेन है। हम लोगों ने उस वाली थ्योरम की हेल्प ली है जो हम लोगों ने परसों पढ़ी थी, मतलब यस्टरडे बैक यस्टरडे एक दिन पहले वो हम लोगों ने पढ़ी थी, उस दिन पढ़ी थी, उस थ्योरम्स की हेल्प ली, क्योंकि उस थ्योरम में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि अगर किसी भी रिजल्ट में किसी भी जगह कैंसिलेशन लॉ अलाउ हो रहा है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो एक इंटीग्रल डोमेन है। उसका अपोजिट वर्जन भी था, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन थी, और उसका अपोजिट वर्जन ये था कि अगर कोई भी चीज इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब वहां पर कैंसिलेशन लॉ अलाउ हो रहा है। तो यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, अलाउ है यहाँ पर, इसका मतलब साफ साफ वो इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। तो ये आपकी थ्योरम थी, ये आपको समझ आया, ये सिंपल सा रिजल्ट था। बाकी चलिए हमारी थ्योरम फिनिश हो चुकी है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर, वो आपको याद रखनी है, रेगुलर फॉलोइंग करनी है। अगर मतलब जैसे आपको ये नहीं करना कि आपने वो कंडीशन नहीं पढ़ी तो आप सीधा इस पे आ गए, आपको रेगुलर चलना है, चाहे आप किसी भी पाथ से चल रहे हो, चाहे किसी को भी कैसे भी फॉलो कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको रेगुलर चलना है। आप पहले स्टेप वन पर आइए, आपने मतलब जो पढ़ा, फिर स्टेप टू पे आइए, फिर स्टेप थ्री पर आइए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको मान लीजिए ये नहीं पता होगा, कुछ बच्चे मतलब मान लीजिए हो सकता है कोई बच्चा ऐसा आ गया हो जिस बच्चे को ये नहीं पता कि अगर कैंसिलेशन लॉ अलाउ हो रहा है इसका मतलब वो इंटीग्रल डोमेन होगा, और उसने इस थ्योरम को कर ली, तो फिर तो रेक्टिफिकेशन है ना, क्योंकि उसको कैंसिलेशन लॉ का प्रूफ नहीं पता, इंटीग्रल डोमेन पता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप प्लीज प्लीज आप पहले उन रिजल्ट को काफी अच्छे से देखिए और फिर इस थ्योरम्स को करिए, तो आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा आपका कि आप किसी नई थ्योरम्स के ऊपर, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी आपको अब इंटीग्रल डोमेन का कोई भी थ्योरम मिल गया, कोई भी रिजल्ट मिल गया, तो आप इंटीग्रल डोमेन में आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाएगा कि क्या मैं कैंसिलेशन लॉ दिखा दूं, ये आपको समझ है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कैंसिलेशन लॉ वाला हो रहा है मतलब इंटीग्रल डोमेन है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा और फिर आप अपना काम कर सकते हैं, ये आपको समझ है। बाकी चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।